अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अली सलाउद्दीन भाई के घर पे अफ्तार पार्टी के लिए जमा हुए हैं। अली सलाउद्दीन मेरा बहुत करीबी दोस्त, बल्कि भाइयों की तरह दोस्त है, और हर साल इस तरह होता है कि हम चंद दोस्त इकट्ठे होते हैं, कभी भाई सिद्दीक राजा के घर पे, कभी साईं की तरफ, कभी तायर अपना जहांगीर और खालिद इनवाइट करते हैं, और मुझ जैसा घिसा पिटा गरीब आदमी भी इन लोगों को कुछ ना कुछ खिला पिला ही देता है। तो बहरहाल आज हमारे साथ जो है ना, सबसे अहम बात ये है कि थिएटर के बहुत अच्छे आर्टिस्ट तारिक गुड्डू साहब भी हमारे साथ शरीक हुए हैं, और ये बड़ी कमाल बात है। वो किचन में गए हैं, वो वाशरूम नहीं है, वो किचन है जहाँ वो गए हैं। तशरीफ ला चुके हैं तारिक गुड्डू साहब, ये हमारे थिएटर कराची थिएटर के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो आप लोग अपनी अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता बातें कीजिए, कोई मसला नहीं है। ये हमारे एम सिद्दीक राजा साहब हैं और बहुत मशहूर शख्सियत हैं। नहीं, जहाँ बोलना है वहाँ आप ज़रूर बोलिए। और ये हमारे अली सलाउद्दीन भाई हैं, जिनके घर में हमें ये आज दावत है, अफ्तारी है, खाना है। और ये देखें आप, तारिक गुड्डू है, खालिद महमूद सिद्दीकी हैं, ये हमारे साईं जो है वो साईं अरशद, ये तो बहुत कमाल आदमी है भाई। इनके डेरे पर हम जब भी जाते हैं न्यू सईदाबाद, ये बहुत ख़ास अंदाज में मेहमान नवाजी करते हैं। ये जहांगीर साहब हैं, ये हमारे यार हैं, ख़ास हैं, और बहुत बड़े फनकार हैं ये हाँ, ये भी खास ही हैं माशाल्लाह। तो अब मेज़बान को बताया जी, ये अली सलाउद्दीन है और ये इस तरह के अहतमाम अक्सर व बेशतर करते रहते हैं। तो आपको बहुत खुशी होती है दोस्तों को बुलाकर? आप बताएं सलाउद्दीन भाई, आपसे पूछा जा रहा है इसके कि कैसा महसूस करते हैं दोस्तों को बुलाकर? बड़ी खुशी महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है, दोस्त आते हैं, मज़ा आता है, तकलीफ होती है। हाँ, ये बात तो शौक है इनको, और इनके तो रश होता है, अगले हफ्ते भी है, अभी भी है, कल परसों भी एक दावत है। इंशाल्लाह ताला हम सब दोस्त इकट्ठे होते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये बरकत का भी जरिया है साईं, अल्लाह पाक इससे बरकत देता है, दस्तरखान वसी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स देखें, ये अली सलाउद्दीन के पोते हैं माशाल्लाह, ये भी इस खिदमत में लगे हैं भाई, कमाल है भाई, क्या माल है यार। इधर इधर देखो भाई हमारी तरफ, वाह वाह वाह, क्या बात है। नहीं नहीं, प्यारा लग रहा है पोता हमारा, हमारा पोता है, प्यारा लग रहा है भाई माशाल्लाह। अच्छा, ये हमारा अली है जो खिदमत करता है, और बस अब इंशाल्लाह ताला अफ्तार में थोड़ा सा ही वक्त है, हम अफ्तार के आखिरी मोमेंट्स की थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे और फिर उसको अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। मेरा चैनल है दानिश उलूम व फ़नून, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। आपको इंशाल्लाह कुकिंग से लेकर दोस्तों के अहवाल तक सब इसमें मिलेंगे, और अब मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी शायरी, दोहे, पंजाबी कलाम सब इंशाल्लाह अपने चैनल पर पेश करने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अफ्तारी की तैयारी शुरू हो चुकी है और हमारे तमाम दोस्त अहबाब दस्तरखान पे बैठ चुके हैं, बस मैं भी दस्तरखान पे जाने वाला हूँ। मैंने कहा आपको आखिरी मोमेंट्स की ये कुछ चंद सेकंड की वीडियोस दिखा दूँ। अब इंशाल्लाह जैसी अजान होती है हम अफ्तार करेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे, और फिर गपशप का एक लंबा सिलसिला चलेगा खाने तक, और खाने के बाद भी हम इंशाल्लाह गपशप करते रहेंगे। व्यूअर्स, खाना आ चुका है, ये ज़रा डोंगे करीब करें भाई, अपना अली भाई, ये डोंगे करीब करें, ज़रा डोंगा ज़रा करीब करें। हाँ, ये अब आप हजरात जो है वो अपना अपना खाना निकालें, तशरीफ रखें। गुड्डू भाई आप भी आ जाएं, अली भाई आप भी खाना खा लो, अली भाई खाना निकालें आप भी, दोस्तों को भी दें। ये मोहब्बतों के सौदे हैं जी, और बरकत के इस महीने में हम तकरीबन सब दोस्त एक एक बार दोस्तों को बुलाएंगे और अफ्तार पार्टी का प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। इससे अल्लाह पाक हमें बरकत भी देगा और मेल जोल से मोहब्बतें भी बढ़ती हैं। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे, और इसके साथ ही हम आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। मेरे चैनल को दानिश उलूम व फ़नून को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, चाय आ चुकी है, अब हम चाय पियेंगे इंशाल्लाह ताला। तमाम दोस्तों के लिए चाय आ चुकी है, ये साईं को चाय दे दी गई है, ये अली बच्चा हमारा बहुत
मेहनती है माशाल्लाह, बड़ी खदमत करता है हमारी। चाय अब राजा साहब की तरफ आएगी इंशाल्लाह। चाय जी राजा साहब, चाय लीजिए आप। थैंक यू सर। हाँ जी बिल्कुल, चाय आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अली, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहो आप।